तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट। 2 में वो कह रहा है कि इसमें कुछ चार्जेस हैं, दो चार्जेस वर्टेक्स पे पड़े हुए हैं, एक ये और एक ये क्यू, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल इनके बीच में 60 डिग्री है। दी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू वॉट। तो मान लो ए और बी के ऊपर चार्जेस पड़े हुए हैं क्यू एंड क्यू, और यहां पर आपको ई निकालना है। जहां ई निकालना है वहां चार्ज क्या रखना है, प्लस वन। तो इस क्यू ने इस प्लस वन को रिपेल किया, तो ई का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इस क्यू ने इसे रिपेल किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। दो ई आ गए और दोनों का एंगल क्या आपस के बीच में 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 तो ये भी 60। तो नेट ई क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 × e × e इंटू कॉस ऑफ कितना, 60। कॉस 60 हाफ होता है। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके √3e, e हम निकाल चुके हैं, इस e को उठा के यहां पे पुट करके ऑप्शन मार्क कर लेना। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं करना, एक p और फिर वेक्टर सम लगा देना है। ठीक ठीक है। तो ये शीट गूगल ड्राइव पे डाल दी है मैंने, तो जिसके पास जिनके पास नहीं है गूगल ड्राइव, तो मुझे ईमेल आईडी सेंड कर दें, मैं शेयर कर दूंगा। ये सारे सॉल्यूशन वहीं पर मिलेंगे आपको, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, कितनों का हो गया 3? देखो 3 के अंदर चार्ज कैपिटल क्यू है, जिसमें पोजीशन वेक्टर आपको आर वेक्टर गिवन है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी गिवन है। आपको क्या निकालना है, वर्क डन। देखो जो वर्क डन होता है वो होता क्या है, एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। फोर्स इलेक्ट्रोस, देखो फोर्स इसमें किस पे लग रही है, चार्ज पे। चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी क्या, क्यू इंटू ई, ई इज अ वेक्टर। तो अपने को डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा ई वेक्टर का डॉट आर वेक्टर का। ई वेक्टर तो ये रहा ई वन आई कैप ई टू जे कैप, और आर वेक्टर ये रहा ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, तो मल्टीप्लाई करके ऑप्शन मार्क कर लेना। तो बेसिक फंडामेंटल क्या लगेगा, एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 7, 7 तो चलो डिस्कस करना चाहता हूं मैं। 7th क्वेश्चन के अंदर आपको एक पेंडुलम गिवन है। देखो मैं वैसे क्वेश्चन तो कुछ और है, पर मैं तीन केस, तीन ऑब्जेक्टिव एक जैसे डिस्कस करूंगा, तीन आ सकते हैं। जैसे सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है नीचे की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। आपने एक पेंडुलम लिया, पेंडुलम का वेट भी नीचे है। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g, सिंपल। लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम है, फोर्स सिर्फ या एक्सेलरेशन सिर्फ जी नहीं है यहां पर, क्योंकि इस बॉब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्यू, और पॉजिटिव चार्ज इज लाइंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और फोर्स कहां एक्सपीरियंस करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, नीचे, तो फोर्स भी कहां है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की नीचे। तो नेट फोर्स क्या हो गई, क्यू ई प्लस एम जी। सिर्फ एम जी नहीं है, एम जी भी नीचे है, क्यू भी नीचे है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो नेट फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में जी की जगह जी डैश। ठीक है यहां तक? तो नई, क्योंकि मास तो कभी चेंज होता नहीं, तो नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगी, मास को इससे डिवाइड कर दें, ये जी डैश आ गया। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा नया, 2π√L/g, नहीं L/g डैश। तो जी डैश को उठा के नीचे पुट कर दिया, टाइम पीरियड आ गया। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? अब अगर आपका क्वेश्चन ऐसे ना आते हुए ऐसे आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब पॉजिटिव से नेगेटिव ऊपर है, वेट तो सदा ही नीचे है, और ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कहां करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहां करेगा, इस बार ऊपर करेगा। तो नेट वेट क्या बनेगा, एम जी प्लस क्यू ही नहीं, एम जी माइनस क्यू ही। इस बार वेट कम हो जाएगा क्योंकि वेट के ऑपोजिट क्यू ही है, तो वेट क्या हो गया, एम जी माइनस क्यू ई। नेट वेट होता क्या है, एम जी डैश।
तो नया वेट एम जी डैश, क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज, मास तो चेंज होता नहीं, एम इन दोनों से डिवाइड हो गया तो क्या आ गया जी डैश। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी डैश, तो ये आंसर तब होगा। अब ये डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कैसा आता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है वेट के साथ है फिर ये आंसर, अगर ऑपोजिट है तो ये आंसर, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है, प्लेट्स ऐसे पड़ी हैं प्लस से माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है तो फोर्स कहां लगेगी, क्यूई राइट, तो एक्सेलेरेशन क्या होती है क्यूई बाय एम, तो एक्सेलेरेशन वेक्टर कहां होगा इसका राइट, और एक और एक्सेलेरेशन है इसके ऊपर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो दो दो एक्सेलेरेशन है, तो एक एक्सेलेरेशन ये रही एक ये रही, तो नेट एक्सेलेरेशन क्या होगी जी डैश अंडर रूट ऑफ क्यूई बाय एम का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, वेक्टर सम कर दिया हमने, इस जी डैश को पुट करेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी डैश, तो जब कोई ऑब्जेक्टिव आएगा ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको। तो कब कौन सा केस लगाने समझ में आ रहा है, सारा गेम वेक्टर का है तो अगर तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, एक नीचे एक ऊपर तो फोर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एक्सेलेरेशन ही आ जाएगी, और अगर दोनों एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर है तो फिर वेक्टर सम हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, तो आपका क्वेश्चन जो है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे है, तो नीचे है तो केस नंबर 1 इज द आंसर, पर ऐसे दो क्वेश्चन और आपको ऑब्जेक्टिव बुक में पक्का मिलेंगे, तो जब मिलेंगे आप सोच सकते हो कि क्या करना है। ठीक है यहां तक ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। क्या कह रहे हैं, ऑनलाइन क्लियर है ना? यस सर। यस सर। पीछे ए दिया हुआ है, नहीं ए है, हाँ ठीक है ए है, नहीं हमारा तो ये क्वेश्चन है ना, हमारा जो ओरिजिनल डायग्राम है वो है, हमें तो केस नंबर 1 पूछा है, वो केस नंबर 2 और 3 तो अगर आ जाए तो ये आंसर होगा, पर पूछा ही नहीं उसने, मैं तो वैसे सॉल्व कर दिया 3 केस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में याद रख लेना, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज, ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटोन होता है और मास 4 टाइम्स होता है, ये लिख लो, ये पक्का आएगा पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अल्फा के ऊपर, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज ट्वाइस प्रोटोन, मास 4 टाइम्स प्रोटोन, भूलना नहीं है, तो फिर तो आसान हो गया क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो निकालनी है, तो आंसर आ गया। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 ये मैं डिस्कस करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई कांस्टेंट है, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, तो डायग्राम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स एक्सपीरियंस करता है और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट करता है। तो पहला क्वेश्चन आएगा, क्या ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, करेगा, क्या इस पे नेट फोर्स जीरो होगी, होगी। नेट फोर्स जीरो क्यों होगी, क्योंकि एक वेक्टर फोर्स का राइट है तो दूसरा वेक्टर फोर्स का लेफ्ट है, तो राइट और लेफ्ट वेक्टर फोर्स के आपस में कैंसल, तो नेट फोर्स क्या मार्क करनी है, जीरो, नेट टॉर्क नॉन जीरो, याद रहेगा। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ये दोनों फोर्सेस चेंज हो जाएंगे, एक बड़ी एक छोटी, तो नेट फोर्स नॉन जीरो, टॉर्क तो फिर भी होगा, टॉर्क तो हमेशा ही होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पर इस केस में यूनिफॉर्म है तो नेट फोर्स जीरो मार्क करनी है, इंपॉर्टेंट है।